हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लासिक्स चैप्टर 2। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इस एनसीईआरटी के सीरीज में हम चैप्टर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं और ये चैप्टर 2 है क्लासिक्स का, हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है उसका हम देख सकते हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। मतलब कैसे शिकारी और खाद्य संग्राहक, हंटिंग मतलब जो शिकार करते थे एंड गैदरिंग मीन्स जो फूड कलेक्ट करके वो गैदर्ड करते थे, रखते थे आगे खाने के लिए, जैसे कि ट्री का सर्व्स हो गए, रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें गैदर करते थे, और वो कैसे ग्रोविंग फूड, वो कैसे एग्रीकल्चर करने लगे, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। ओके, तो द अर्लीस्ट पीपल Why were they on to move? मतलब कह रहा है कि जो पहले के लोग थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, वो क्यों इधर से उधर मूवमेंट करते थे, सबसे बड़ी बात। तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर ago। कह रहा 20 लाख साल पहले की अगर बात आज करेंगे हम, तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट मतलब किसको बोलते थे, जैसे कि ये मैं इंडिया का मैप ड्रा करूँ, ठीक है, इस तरह से मैं इंडिया का अगर मैप ड्रा करता हूँ, ओके, तो जो ये सब पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मात्र, ठीक है। तो बोले इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर बात हम करते हैं कि पीपल हु लिव इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज 2 मिलियन ईयर, मतलब 20 लाख साल पहले, ठीक है, वो क्या थे, टू वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। वो शिकारी थे, वो अखेटक थे और संग्राहक थे। अखेटक और संग्राहक, या शिकारी या संग्राहक बोल सकते हैं, अखेटक मतलब शिकारी ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अखेटक और संग्राहक। हिंदी मीडियम वाले भी वो अपने एनसीईआरटी को सामने रखें और उनसे चीज़ों को देखें, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल का हंट करते थे, कॉट फिश एंड वर्ड्स, वो मछलियाँ और पक्षियों को पकड़ते थे, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, स्टॉक एंड एग्स, मतलब ये सब चीज़ों को जमा करते थे, इसलिए वो गैदरिंग कहलाएं, संग्राहक कहलाएं, ठीक है। हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर मेनी रीजन। वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत कारणों से जाते थे। पहला, इफ़ दे हैव स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टर्म, करा कि अगर उन्हें एक जगह बहुत समय के लिए रुकना पड़े तो वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होंगे, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ख़त्म हो जाएगा, खाते खाते ख़त्म तो होगा ना। अब कुछ एक एरिया में कुछ ही मतलब मान लेते हैं कि जानवर होंगे, अब उन सारे जानवरों को मार के खा जाएगा तो फिर बचेगा क्या, तो इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं एक जगह ख़त्म हो तो अगले जगह जाना पड़ेगा, दिस इज़ द रीज़न, ओके, देयरफॉर दे वुड हैव गो टू, ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए, जानवर यहाँ पर हैं, बहुत सारे जानवर, फिर सीजन के अकॉर्डिंग भी होता है, ऐसा भी नहीं तो होता है कि ये जानवर कहीं और किसी दूसरे जंगल में चले गए, कहीं और चले गए, ऐसा भी होता था। तो जब इस तरह से चीज़ें होंगी तो लोगों को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, अब नहीं जाएंगे तो इनको फिर शिकार कहाँ से मिलेगा। तो ये भी रीज़न था कि जैसे देखो, जब जानवर लोग, जैसे बड़े जानवर छोटे जानवर की खोज में आगे निकल गए, अब कुछ शाकाहारी जानवर है जो घास के मैदान की खोज में आगे निकल गए, तब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो जिनका खाना ही है फूड्स, मतलब कहने का मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स और जो भी कहने का मतलब आपका गैदरिंग वाला चीज़ें हुई, तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे ना, तो दे हैव टू फॉलो देयर मूवमेंट, इसलिए वो यहाँ से वहाँ जाते थे, ठीक है। तीसरा क्या, प्लांट एंड ट्री, कुछ कुछ ऐसे पौधे और पेड़ होते हैं जो एक सीज़न में वो अपना फ्रूट्स देते हैं, सीजन अकॉर्डिंग, ओके, देखते होंगे कि अगर मार्च अप्रैल में वो दिया है तो फिर अगला मार्च अप्रैल में देंगे, इस तरह से कंडीशंस थे। तो अगर एक जगह हम रहेंगे, यहाँ पे कोई पेड़ है जो मान लेते हैं कि अभी दे दिया फ्रूट्स, अब 6-7 महीने बाद फ्रूट्स देगा, तो यहाँ पर रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, उस समय के मामले में बात करते हैं, नहीं तो दे हैव टू मूव, उन्हें जाना पड़ेगा आगे कहीं और, यहाँ पर दूसरे प्लांट्स मिले जो अभी इस सीज़न में वो फ्रूट्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी रीज़न हुआ कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट के सर्च में वो अलग अलग जगहों पे जाते थे। द 3 रीजन्स मैंने बता दिया। फोर्थ रीज़न है कह रहा कि प्लांट्स एंड एनिमल नीड्स वाटर टू सर्वाइव। देखो, जो प्लांट्स है, एनिमल है, उनको वाटर चाहिए ना, बिना वाटर का तो कुछ नहीं होने वाला। वाटर इज फाउंड इन लेक,
जो भी वाटर्स हैं वो तो उस समय लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स, उसमें हमारा कहने का मतलब बोरवेल तो था नहीं, उसमें हमारे यहाँ नल तो था नहीं, वहाँ उसमें जो भी थे लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ओके, वाल मेनी रिवर्स पेरेनियल्स, बट लेकिन उसमें कुछ ऐसे नदियाँ थी ना जो सालों साल बहती थी निरंतर, पेरेनियल्स रिवर्स, ओके। अदर वेयर सीजनल, कुछ ऐसे थे जो सीजनल थे, पेरेनियल्स मतलब होता है जो सालों साल तक उसमें पानी रहे, उसको बोलते हैं पेरेनियल्स। एंड सीजनल, जो कभी कभी पानी रहता है बरसात के अंदर, फिर बाद में पानी नहीं रहता, दैट इज द सीजनल रिवर, ओके। पीपल लिविंग ऑन देयर फ्लैंक वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। कह रहा है कि जो भी लोग हैं उस समय उनके अलोंग्स रहते हैं, जो रिवर्स के अलोंग्स रहते हैं, मान लो सीजनल रिवर्स हैं, उसमें पानी क्या ख़त्म हो तो लोग को भागना पड़ेगा ना वहाँ से, फिर अलग जगह जाना पड़ेगा कि जहाँ पे रिवर मिले, जहाँ पानी है। तो दैट इज़ द रीज़न दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैंने बहुत चार रीज़न बता दिए हैं और चार रीज़न को रिकॉल करते रहना है, डेट्स क्लियर, ओके। कर हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोगों ने इन लोगों के बारे में कैसे जाना, कैसे जाना कि पहले लोग ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट देखिए, जहाँ भी जिन शब्दों में IST लगा रहा है ना, वो शब्द होते हैं पर्सन, या पहला बात तो वो नॉन होते हैं और वो होते हैं पर्सन। तो आर्कियोलॉजिस्ट वैसे लोग जो पुराना चीज़ों को, पुरातत्व तो विज्ञान के ज्ञाता हो या पुरातत्व तो विज्ञान के ऊपर शोध करते हो, खोज करते हो, वो आर्कियोलॉजिस्ट हो गए। छोट पुरानी पुरानी वस्तु, एंशेंट चीज़ों की वस्तुओं को, बहुत पहले के वस्तुओं पर उन शोध करना, दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। कर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग हंटर गैदरर मेड एंड यूज, बोला कि उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ों को खुद देखा, ऐसे चीज़ों को खोजा जो उसमें के शिकारी और संग्राहक हैं जो बनाए और उसका इस्तेमाल किए। इट मीन्स ये हो गया कि वो जो इस्तेमाल करते थे, जैसे पत्थर के औजार हथियार करने के लिए, कुछ लकड़ी के औजार, कुछ हड्डी के औजार, वो सारे आज हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं ना किस तरह से वो शिकार करते थे, छोटे पत्थर से क्या करते थे, बड़े पत्थर से क्या करते थे, ये सब कहीं ना कहीं हमें जानकारी देता है, ओके। सम ऑफ दीज, अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे उसके बारे में, बिकॉज ये क्लासिक्स है, 7, 8, 9, 10 में वो सब चीज़, जो 10th में बहुत ज़्यादा डिटेल बताया गया है इस चीज़ के बारे में, वहाँ पर देखेंगे, ओके। सम ऑफ दिस टूल्स, स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप्स, बॉक्स फ्रॉम ट्री एंड हाइड्स, चॉप फ्रूट्स एंड द रूट्स। कह रहा है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे टूल्स थे जिससे हम मीट काटते थे, पेड़ के छाल को निकालते थे, कुछ एनिमल के स्किन्स को मतलब काटते थे, चॉप फ्रूट फ्रूट काटते थे, एंड रूट्स, दीज आर द वर्क्स, ओके। सम मे हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स ऑफ बोन, अब कुछ ऐसे पत्थर थे जिनको हैंडल ऑफ बोन और बूट्स, देख सब समझ रहे बात को, कुछ ऐसे टूल्स थे जिसके कहने का मतलब पकड़ने वाला में हड्डी या तो लकड़ी है, जैसे कि आज देखते हैं कुछ कुछ ऐसे हथियार होते हैं, आप गाँव में जाइएगा तो एक लकड़ी काटने वाला औजार होता है, तो उसके हैंडल में लकड़ी लगा रहता है और पूरा लोहा का रहता है, तो वैसे हैंडल, एज ए हैंडल बोन देखने को मिलता है, वुड्स देखने को मिलता है। टू मेक अ स्पीयर्स एन एरो फॉर हंटिंग, जो भाला, भाला को फेंकने के लिए उस तरह से भाला में इस्तेमाल होता था, एरो में इस्तेमाल होता था, ये सारे चीज़ें आपको लिखा गया है। अदर्स टूल्स वेर यूज चॉप वुड, कुछ ऐसे सब टूल्स थे जो लकड़ी काटने के रूप में इस्तेमाल होते थे, विच वॉज यूज एज फायरवुड, जो कभी कभी जलाना, आग जलाना, लकड़ी चाहिए, लकड़ी कहाँ से आएगा, पेड़ से आएगा, काटे कैसे, तो वो जो औजार होगा उससे हम लोग काटेंगे, ठीक है, सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ओके ओके। देखिए थोड़ा सा पता नहीं है कैसे कट गया, नो प्रॉब्लम, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, ये तो हो गया ना, सॉरी ये हो गया, हाँ, कह रहा है कि लुक एट द मैप टू, ऑल द प्लेसेस मार्क विद द रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर, ओनली सम ऑफ द शोन इन द मैप, मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ द वाटर। कह रहा है ना कि आप मैप को देखिए, इसमें कुछ ऐसे साइट्स हैं जो साइट्स में हमें स्टोन टूल्स या बात कर लेते हैं हंटर गैदर का साक्ष्य मिला, कुछ इसमें कुछ ऐसे कुछ ही दिखाए गए, मतलब बहुत सारे ऐसे, बट इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिखाए गए और इससे बहुत अच्छा आपका चीज़ कैप्चर होगा। प्रीलिम्स में आपका सवाल इससे देखिए कितना आएगा, देखिए बुरजहोन, जहाँ पता चलता है कि लोग गड्ढे में रहते थे, डीप होल्स, लोग बहुत ही
गड्ढे में घर बना के रहते थे लोग। यहाँ पर ऐसा एक साक्ष्य मिला है ना कि ऑनर के साथ में डॉग को दफनाया गया, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ऐसा वहाँ पे एक कब्र मिला है जहाँ पे कुत्ता का भी मिलता है कंकाल और एक मानव कंकाल मिलता है साथ में। तो आप कह सकते हैं कितना मतलब एक कुत्ते और एक मनुष्य के बीच में क्या संबंध रहा होगा। मेहरगढ़ जहाँ पर सबसे पहले बार एग्रीकल्चर का आपको एविडेंस प्राप्त होता है, कोलडीवा जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है जहाँ से आपको चावल का साक्ष्य मिलेगा। ओके, भीमबेटका जहाँ पे रॉक पेंटिंग मिलेगा आपको, वहाँ पे केव है, केव पेंटिंग मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को चिरांद जहाँ पे हड्डियों के उपकरण मिलते हैं, बिहार का एक और एक साइट्स है जो जहाँ पे हड्डियों का उपकरण मिलता है। ओके, आप देख सकते हैं इनाम गांव, ये सब सारे साइट जो आप देख रहे हैं ये सब मतलब आप कुरनूल, ब्रह्मगिरी है, हलूर है, देज आर द प्लेसेज वेयर वी फाइंड सम स्टोन टूल्स, बोन टूल्स, सो मैनी एविडेंस डैट वी कैन से डैट दे आर हंटर गैदरर एंड हाउ दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स फॉर हंटिंग एंड सो मैनी बॉक्स। ओके ओके, ये था आपका पैलोलिथिक। ये आप देख सकते हो मैप को, बहुत ध्यान से देखना, आपको आपके सामने बुक होगा तो इस मैप को देखिएगा और इस सारे प्लेसेस को याद रखिएगा। प्लेसेस कहाँ पे हैं, प्लेसेस कौन से पाकिस्तान में है, कौन बिहार में, कौन इंडिया सॉरी एमपी में है, कौन आपका यूपी में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके, कह रहा ना स्टोन टूल तो इम्पोर्टेंट था, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी। अब देखिए स्टोन टूल था इम्पोर्टेंट, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अच्छा वाला पत्थर कहाँ मिले, या कोई होता होगा ऐसा पत्थर टूट जाता होगा, तो इसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता होगा, अलग अलग खोजना पड़ता होगा कहाँ पर के पत्थर मजबूत है। देखिए ये पेंटिंग मिला, देखिए एक यहाँ पे एक एनिमल बनाया गया है, पता नहीं कौन सा एनिमल है, और पीछे से शिकार कर रहा है, जैसे यही दिखाया गया। ये पेंटिंग बनाया गया उस टाइम आज से लाखों लाख साल पहले ये पेंटिंग बनाया गया है, कहाँ, भीमबेटका। भीमबेटका डेट इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश एंड फेमस फॉर द रॉक पेंटिंग, वहाँ पे पेंटिंग किया गया है और गुफा थे जहाँ पे लोग रहते थे ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये सारी चीज़ समझ लीजिए, दिस इज द ये सब गुफा है। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, कह रहा है कि आग के बारे में कैसे इन्हें पता लगा, आग के बारे में कैसे इन्हें जानकारी इकट्ठा हुआ, इनके बारे में हम देखेंगे। ओके, ट्रेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर, कह रहा कि मैप 2 में पेज नंबर 13 में एक देखिए कुरनूल, देखिए मैंने अभी बताया था आपको ये सब पूरा याद करना। देखिए कुरनूल, कुरनूल जो आप केप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, डेट इज प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एक राख का ढेर मिला है, राख का जला हुआ राख का ढेर मिला है, तो कह सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आग हुआ होगा, आग की खोज हो चुकी है इस टाइम में, तो इसका डेट देखेंगे। ओके, कह रहा है कि उससे हम कह सकते हैं कि दे आर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। ओके, फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग, अगर आग का इस्तेमाल बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए हुआ होगा, एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू रोस्ट मीट अस्के, देखिए हो सकता है कि प्रकाश के स्रोत में, मांस को पकाने के स्रोत में, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि जानवरों को डराने के सेंस में आपने आग का इस्तेमाल किया उस टाइम, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हालांकि सारे रीजन कहीं ना कहीं सही भी है। ओके, कह रहा है ना कि आर्कियोलॉजिस्ट है जो लेंदी नेम्स फॉर द टाइम, जैसे देखिए मतलब एक बहुत बड़ा नाम इन्होंने दिया है समय को फाटा है, जैसे कि इन्होंने पैलियोलिथिक को, मतलब पैलियोलिथिक मतलब होता पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण मतलब देखिए स्टोन एज में हम देखेंगे सबसे पुराना वाला जो पीरियड है उसे बोलते हैं पैलियो लिथिक, लिथिक मतलब था स्टोन, पैलियो मतलब तो बहुत पुराना, मीन ओल्ड लिथोज। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इस समय लोग स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लोग हंटर एंड गैदरर ही थे, अभी तक लोगों को शिकार करना नहीं आया था, समझ रहे बातों को। तो पैलियोलिथिक के जो उसका अगर डेट देखते 20 लाख साल पहले का जो एज है दैट इज़ कॉल्ड पैलियोलिथिक एज, कहीं कहीं 20 लाख से 10 लाख से 10 हज़ार दिया रहता है, तो बहुत कुछ दिया रहता है, तो डेट पे नहीं गौर करना बिकॉज दिस इज द एंशिएंट हिस्ट्री एंड डेट के लिए परेशान नहीं होना है। ओके,
चलिए, दिस लॉन्ग टर्म डिवाइड इंटू लोअर। अब देखिए, अब 20 लाख से 12 हज़ार को भी 3 भागों में बांटे हैं, लोअर पैरोलिथिक्स, निम्न पूरा पाषाण, मिडिल मध्य पूरा पाषाण, अपर उच्च पूरा पाषाण। मतलब हम इस तरह से हमने चीज़ों को बांट दिया है, और भी कुछ नहीं। जैसे कि हम देखते हैं लोअर पैरोलिथिक में, लोअर पैरोलिथिक में भी लोग हैं जो छोटे छोटे टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर यूजिंग द फ्लेक पत्ती, फ्लेक या कोर पत्ती। व्हाट इज कोर पत्ती? कोर पत्ती हुआ कि एक बड़ा चट्टान को लिए और उस बड़े चट्टान को हम लोग जोर से पटकेंगे तो टूटेगा, जो टूटा हुआ जो पार्ट होगा, छोटे छोटे पार्ट, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स। एंड जो बड़ा वाला पार्ट रहेगा, जो गोल रहेगा, कुछ भी रहे, उसको कोर बोलेंगे। तो दे आर यूज फॉर हंटिंग। फिर आगे देखते हैं मिडिल पैलोलिथिक में, तो छोटे छोटे सामान बनना स्टार्ट हुए, सामान जो भी पत्थर के औजार थे उनका साइज़ थोड़ा छोटा हुआ। अब देखें अपर पैलोलिथिक में, छोटा तो होता है साइज, लेकिन साइज़ थोड़ा नुकीला भी होता है, डैट इज चेंज ओवर द टाइम। ओके, कह रहे कि 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, अभी इस पूरे पैलोलिथिक में हम 99% मानव के इतिहास को पढ़ लेते इतने पूरे साल में। सोच रहे हैं 2 लाख साल, 20 लाख साल से 12 हज़ार के साल में तो बहुत कुछ पढ़ ही लेंगे ना। ओके, दिस पीरियड भी फाइनली इन्वायरमेंटल चेंज, कह रहा है कि इस पीरियड में कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आए, जैसे कि 10 हज़ार तक के कोई दिक्कत नहीं होती। कह रहा है कि 12 हज़ार से लेके 10 हज़ार के बीच में हम बीच को बोलते हैं ट्रांजिशन, या बोलते हैं मेजोलिथिक, मतलब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच में आता है नव पाषाण और पूरा पाषाण के बीच में, इसमें कि जो छोटे छोटे औजार इस्तेमाल हो रहे थे, माइक्रो, जो औजार क्या कहलाएं, माइक्रोलिथ्स, माइक्रो मतलब सूक्ष्म पाषाण, सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण कहलाएं इसमें किस चीज़ें, माइक्रोलिथ मतलब बहुत छोटे छोटे उपकरण बने, ठीक है। हो सकता है उनका इस्तेमाल स्टैक ऑन द हैंडल पे बोन के इस्तेमाल में होता था, ठीक है, या तो साइन सिकल्स में इस्तेमाल होता था उनका। एट द सेम टाइम बहुत सारे पुराने वाले चीज़ तो इस्तेमाल हो ही रहे थे, अब कुछ नए नए भी औजार बन रहे थे क्योंकि लोगों का ज़रूरत था उस तरह से। अब छोटा बिल्ली मारना तो 50 किलो का पत्थर फेंकेंगे, उसके लिए 1 किलो का पत्थर भी काफ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग पत्थरों मतलब टूल्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, यही इसमें बताना चाह रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर 12 हज़ार साल बाद देखते हैं, 12 हज़ार साल पहले की बात करते हैं, तो कुछ चेंज आया मौसम में। क्या आया कि कंडीशन जो बाहर में था, ठीक है, कंडीशन थोड़ा सा कम अब ठंड बाम होने लगा, और बहुत सारे एरिया में घास के मैदान बने, क्योंकि बाहर होगा थोड़ा बाष्पीकरण होगा, वर्षा होगा, वर्षा होगा तो ग्रासलैंड होगा, और ग्रासलैंड होगा तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर डियर्स एंटीलोप्स की संख्या बढ़ जाएगा, और इस तरह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल की भी जनसंख्या बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे घास का मैदान है, तो वहाँ पे जो शाकाहारी पशु खाने आएंगे तो उन्हें मांसाहारी पशु भी आएंगे खाने के लिए, डैट इज द रीजन। ओके, अब जो भी लोग उस समय हंट करते थे, कहीं ना कहीं उनको भी इनको फॉलो करना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहा है, वो किस मैदान में जाएंगे घास के मैदान में, तो लोगों को भी वहाँ जाके फिर शिकार करना, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा। ओके, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हंडी, कह रहा देयर इज ऑल्सो टाइम वेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस, कह रहा है कि बहुत ऐसा भी समय रहा कि जब बहुत सारे अनाज उत्पादन करने वाले जो घास हैं, या जिसमें वीट हो गया, वायरलेस हो गया, बहुत अलग अलग पार्ट में उपजने लगे थे। मेहरगढ़ की बात कर लीजिए, उसमें कह रहा है कि मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड, कह रहा है कि जो भी लोग थे मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो हो सकता है इन खाना का इन ग्रेन्स को जमा करते होंगे, और फिर उसके बाद एंड लैंड फेयर दे ग्राफ, उन्होंने ये भी देखा होगा कि कहाँ ये उपजते हैं और इन्हें कब हम काटते हैं, इन सारे के बारे में जानकारी इनको मिल रहा है, धीमे धीमे देख रहे हैं चीज़ों डेवलप हो रहा। और फिर इस तरह से क्या हुआ कि वो सोचो हैं कि कहीं ना चलो हम ही कर लेते हैं, इस चीज़ को उपजा लेते हैं, और धीमा धीमा वो कर बन गए, खेती करने लगे, और वो कहलाएं फार्मर, डैट इज़ अ स्टोरी बिहाइंड द सीन। ओके, पीपल कुड हैव ऑल्सो अट्रैक्ट दन देन टेम एनिमल बाय लिविंग फूड फॉर देम, और भी धीमे धीमे छोटे छोटे पशुओं को मतलब जिन्हें डोमेस्टिकेशन मतलब कहने मतलब कि आप पालतू बना सके, उन्हें खाना वाना लालच दे देके धीमे धीमे अपने पास रखने लगे, उनको बचाने लगे, और फिर वो धीमे धीमे क्या बन गए, पालतू बन गए, यही रीजन था। ओके, सबसे पहले बार पालतू कौन बना था, डॉग। ओके,
ओके ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल फ्रॉम अटैक बाई अदर वाइल्ड एनिमल हाउ इज दे बिकम हार्डर। और कुछ ऐसे भी लोग थे कि वाइल्ड एनिमल से बचाते थे जो वेज एनिमल थे जो घास पे जिंदा रहते थे उनको वाइल्ड एनिमल से बचाते थे और धीमे धीमे साथ रहने लगे और वो डोमेस्टिक बन गए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं बातों को। डोमेस्टिकेशन की बात कर रहा, फालतू की बात कर रहा, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। न्यू वे ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। ओके ओके व्हेन पीपल बिगेन ग्रो प्लोइंग प्लांट, जब लोग फसल उपजाना स्टार्ट किए गए तो उन्हें एक जगह से एक जगह रहना पड़ेगा। अब देखो आज हम रोप दिए हैं फसल, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा जब तक कि फसल को काट के ना जाए, भागना तो नहीं पड़ेगा। तो उन्हें रुकने का कारण भी ये बन गया और धीमे धीमे वो बसने भी लगे। ये भी रीज़न था इसके पीछे, समझ रहे हैं बात को। ओके क्रैज ग्रेन हैड टू बी स्टोर इन द बोथ। अब देखो अब कुछ जो भी ग्रेन्स हैं जो भी आप उपजाएं उनको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, तो रखने के लिए आपको निर्माण करना पड़ेगा किसका, पोल्ट्री का। तो धीमा धीमा निर्माण होता है पोल्ट्री का जिसमें, और कहीं नहीं तो लोग कहीं कहीं गड्ढा करके रख देते थे, नहीं तो कहीं कहीं लोग मिट्टी के पोल्ट्री बनाना स्टार्ट किए, मित्र भांड बनाना स्टार्ट किए। तो ये धीमा धीमा इसमें चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। कह रहा है स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, ठीक है। बिसाइड इफ देयर लुक आफ्टर केयरफुली, कह रहा है कि अगर उससे उन अगर जानवरों को अच्छे से देखा जाए, अच्छे से उन्हें देखभाल किया जाए तो वो मिल्क देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, मीट भी देंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। कह रहा है एनिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका पालन इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो खाद जो खाद उसमें भोजन है उसको स्टोर के रूप में, अब हम एनिमल रखे हैं तो कहीं ना कहीं कभी भी दूध दे देगा, कभी भी उस मांस दे देगा, तो इस तरह से स्टोर ऑफ फूड के रूप में एनिमल का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। बात तो समझ रहे हैं। कह रहा फाइंडिंग वर्ड द फर्स्ट फार्मर, पहले फार्मर का खोज और पहले पशुपालक का खोज। ओके यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स हैं जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है अर्ली फार्मर, मतलब तो पहले की जो कृषि है उसका उन्हें साक्ष्य मिला है पूरे कॉन्टी, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, कोल्डीवा हो गया, यहाँ पे देखते हैं कृषि का साक्ष्य मिलता है, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ओके ये सारे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ओके ये सारे चीज़ें हैं, वही चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। टुवर्ड अ सेटल लाइफ, एक सेटल्ड लाइफ के तरफ कह रहा है। ओके अस्थाई जीवन, कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ऐसे हर झोपड़ी खोजे हैं, घर खोजे हैं। ओके जैसे कि बुरझोम जो कश्मीर में, वहाँ पे देखा है कि गड्ढा में बना हुआ घर है जहाँ पे लोग गड्ढा कर कर करके रहते थे ठंड से बचने के लिए, बर्फ़ से बचने के लिए। और उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कुकिंग का जो खाना बनता था घर के अंदर और घर के बाहर बनते थे। ओके ये सारी चीज़ें डिपेंड ऑन द वेदर, क्या करना है नहीं करना है, चीज़ों को समझ रहे होंगे। कह रहा है कि स्टोन टूल है फाउंड फ्रॉम मेनी साइड, बहुत सारे स्टाइल साइड से आपको स्टोन टूल दिखाई पड़ता है, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो न्यूलिथिक कहलाएं। ओके देश टूल्स आर पॉलिश, अब देखो अब नव पाषाण काल में क्या हुआ ना कि जो टूल्स था बहुत ज़बरदस्त पॉलिश्ड, बहुत ज़बरदस्त नुकीला, छोटा, एकदम गजब गजब यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा टूल्स, लोगों का दिमाग भी विकसित हो रहा। ये सारे चीज़ इसमें बताया गया है जो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ओके फिर यही सारे चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो। कह रहे मेहरगढ़ को दूर दिया, वहाँ पर क्या है कि मेहरगढ़ जो फर्टाइल प्लेन पर था क्योंकि बोलन पास और वहाँ पर सिंधु ने देखी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा, कहने का मतलब ये था कि पीपल जो वहाँ पे थे वहाँ पे पीपल बारले और व्हीट उगाना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर लोग हैं जो शीप एंड गोट्स का, कहने का मतलब उन्हें डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। जितने भी नाम है सब याद रखे, मेहरगढ़, बुरझोम, कोल्डीवा, कुरनूल, ऑल दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द, अगर आपको मैप बनाना हो, हिस्ट्री लिखना हो तो उसमें चीज़ों को आपको ध्यान पड़ेगा, ठीक है। ये सारे हैं चीज़ें समझ लीजिएगा। कह रहे बेन पीपल डाई, जब लोग मरते थे तो उनके जो रिलेटिव्स थे या फ्रेंड थे वो बहुत उनको आदर करते थे और उनके साथ कहीं ना कहीं जानवरों को दफनाते थे कि आगे जब वो जाएंगे अगले जन्म में तो यही जानवर को वो खाएंगे, वो खाने के सेंस में उनका इस्तेमाल हो, जैसे गोट्स बकरी को साथ में दफना देते थे। साक्ष्य मिला पहले के लोगों को, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में ही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए भीमबेटका केप पेंटिंग है, कितना ज़बरदस्त, उस समय के लोगों ने किस क्या सोच के केप पेंटिंग का निर्माण किया है, इसको थोड़ा सा पढ़िए। उस समय के लोगों ने जो जीवन बिताया उनको उन्होंने पेंटिंग के रूप में इस्तेमाल किया, चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है।
न्यूलिथिक साइट्स के बारे में बता रहा है और हमने चैप्टर को ख़त्म किया। इस पॉइंट्स को पूरा बना लेना है और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और बहुत ही सर मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आप अच्छे तरीके से आप हिंदी या इंग्लिश सामने रख के एनसीईआरटी को करते हैं तो आप एनसीईआरटी का एक अच्छा बेसिक मौजूद होगा। 6-7 को हम थोड़ा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे, बहुत डिटेल पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। जुड़ने रहने के लिए धन्यवाद। ओके।